और मेरे पास कोई हल। मैंने अपने बेटे की लाइफ ही तबाह कर दी। एक पॉलिसी के बारे में कुछ दिन पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी कि आखिरकार वो पॉलिसीज कितनी ज़्यादा सही होती हैं कितनी नहीं, पर आज उसके ही लिए एक मेमोरेंडम दिया गया और आपको बताने की कोशिश पहले भी थी आज भी होगी कि आखिरकार वो पॉलिसी कितनी सही है कितनी गलत है और उनके लिए जो ऑलरेडी लाइसेंस होल्डर्स हैं क्या उनको आने वाले समय में अगर ऑक्शन में खड़ा किया जाए तो वो ऑक्शन के लिए परफेक्ट हैं या नहीं, आने वाले समय में उनके लिए प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी या उनके लिए सब कुछ ठीक ठाक है। अब ये बात जान लेते हैं। आज आपने मेमोरेंडम भी पेश किया है जो आपके लिए ये ऑक्शन का एक नया एक दौर सामने आया है। ये दौर कितना पुराना आपके लिए है, नया है, क्या आपको लगता है ये आपके लिए सही है खराब है क्या है? मैम रफली 40-40 साल 50-50 साल हो गए हमें ये काम करते हुए, ठीक है। मैं खुद भी ऐसी LLB हूँ, बींग ए ओनली सन यू कैन से माई फादर, उन्होंने मेरे को ना प्रैक्टिस करने दी, कुछ नहीं करने दिया, उसने कहा बेटा बैठ जाओ यहाँ पे और दुकान संभालो अपनी। मैं दुकान संभालता रहा, उसको काम करता रहा, जो प्रॉफिट डिपार्टमेंट देती गई वो प्रॉफिट में लेके तो अपने घर का गुजारा चलाता रहा। अगर वो काम उससे नहीं चला तो जाकर खुद कोई और भी काम करता था, ठीक है। बच्चे भी अपने पढ़ाए और अपना आप भी किया। अब स्टेज ऐसी आ गई है पॉलिसी की, बैटर में ये बताना चाहता हूँ आपको, पॉलिसी में ये लिखा गया है, अरविंद जी आइए, पॉलिसी में ये लिखा गया है कि पहला ये है कि आपको बिड में शामिल होने के लिए 25,000 रुपया नॉन रिफंडेबल दिया जाएगा, वो वन टाइम हमने देना है एक एक बिड के लिए। वो जो अगर मैं बिड लूँ या ना लूँ मेरा वो 25,000 रुपया चला जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है हमारी कि 5 लाख रुपया मिनिमम बिड अमाउंट है टू स्टार्ट द बिड। किसी की दुकान का प्रॉफिट होगा 7 लाख रुपया, किसी का होगा 8 लाख रुपया। वो जब वो 8 लाख रुपये से बीच में से 5 लाख रुपया दे देगा तो उसके पास क्या बचा? 3 लाख रुपया। उसमें से उसने अपने एम्प्लॉयज़ को पे भी देनी है, अपनी बिजली का खर्चा भी है, वो घर क्या लेके जाएगा, एम्प्लॉयज़ को क्या देगा, ख़त्म हो गया। उसके बाद एक विड अमाउंट मिनिमम अमाउंट फिक्स हुई है जो कि रेवेन्यू है एक किस्म का, वो है टैक्सेस जो हमने गवर्नमेंट को सेपरेट देने। एक तो हो गया ना 5 लाख की विड अमाउंट के ऊपर, एक है वो हमें 7 दिन के अंदर अंदर पैसा देना है। उसके बाद अगर मैं दुकान खोलना भी चाहूँ, अगर कोई धरना दे देता है तो वो मेरी विड अमाउंट वापस नहीं मिलेगी मुझे, उसमें लिखा हुआ है बाकायदा। और अगर कोई कोर्ट से स्टे लाता है तब भी वो मेरा पैसा भी गया, मेरी दुकान भी बंद कर दी जाएगी और मैं बेरोजगार वैसे ही हो गया टोटली। मतलब जो अगर मेरे पास 4 पैसे थे या मैंने किसी रिश्तेदार से लिए वो भी गए। आपके जनरेशन जो आपसे पहले एक जनरेशन थी उन्होंने आपको बिठा दिया, बिल्कुल आपने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आगे पढ़ने का मौका आगे करने का मौका दिया या फिर आपने? नो, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, मेरा एक ही बेटा है, मैंने उसे पढ़ाया, लेकिन आज मेरी सेहत ठीक नहीं है, जैसे मुझे ब्रेन नर्व्स की प्रॉब्लम है, देयर आर सो मैनी थिंग्स विद मी, आई एम ऑन द लाइफ सेविंग ड्रग्स। अल्टीमेटली मुझे अपने बेटे को महाराष्ट्र से जम्मू बुलाना पड़ा टू हैंडल द इशू। और मेरे पास कोई हल। मैंने अपने बेटे की लाइफ ही तबाह कर दी। मैडम ये ऐसी पॉलिसी है कि मतलब इससे सब खत्म हो जाएगा, दो दिनों में हफ्ते एक में इन्होंने ऐसी पॉलिसी हमारे सिर पे ला दी है। आप कहते हैं बच्चे, हमारे बच्चे बाहर यूनिवर्सिटियों में अब्रॉड जाके पढ़ रहे हैं, वहाँ कैसे हम फीस निकालेंगे उनकी? मतलब किसी को भी आप फांसी देते हो, सुना है ना आपके, उसकी लास्ट विश जो पूछी जाती है कि व्हाट इज़ योर लास्ट विश, आप पूछते हो उससे, हमसे पूछ लिया जाता, थोड़ा टाइम देते हमें, इंश्योरेंस है, सो है, बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं होता, उसका पैसा लगा होता है, एकदम से वो पैसा निकालना वो डूब जाता है,
ये इतनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है प्राइवेट जो ये कमेटी वगैरह डालती हैं, ये फेल कैसे होती हैं? ये इसलिए फेल होती हैं कि मार्केट में शोर पड़ता है कि वो डूब गया और सभी अपना पैसा लेने वापस आ जाते हैं। ऐसा ही बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं होता, वो सारा लगा है और ये इस पॉलिसी से हम लोग खत्म हो जाएंगे। सर 169 जो लाइसेंस होल्डर्स हैं, अगर उनके पास अपना लाइसेंस जो था वो रहे और अगर कोई और लाइसेंस लेना चाहे तो वो जो अब नई पॉलिसी, हमें कोई एतराज नहीं है। गवर्नमेंट जिसको चलाना चाहती है, जिस मर्जी तरीके से चलाना चाहती है, जहाँ लाइसेंस देना चाहती है दे, हमें तो कोई उसमें कोई है ही नहीं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हमने लिख के दे दिया है इसको, फाइनेंस सेक्रेटरी को लिख के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को लिख के दिया है, भाई अगर पिछले साल रेवेन्यू था 1400 करोड़, भैया 10% और बढ़ा लो, टैक्सेस ही बढ़ाने हैं ना, लोगों पे ही लगना है, मेरे घर से नहीं लगना। इससे पहले भी कुछ ऐसा हुआ था जब गवर्नमेंट ने शुरू किया था कि चलिए अब हम भी इसको बेच के देखने की कोशिश करते हैं, वो उस समय फेल हो गए। फिर उन्होंने हमें बुलाया, हमें कहा जी आप बताइए कि किस मार्जिन पे आप ये काम कर सकते हैं अगर हम आपको दें, और कितना रेवेन्यू दे सकते हैं। मैंने कहा जी जितना आप कंट्रैक्टर से मांग रहे हैं उससे डबल आपको मिलेगा। 58 करोड़ उस वक्त गवर्नमेंट अट गई थी कि 58 करोड़ दो, लेकिन ठेकेदार जो थे प्राइवेट वो लेने को तैयार नहीं थे, ठीक है। हमें दिया गया, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, गवर्नमेंट ने मतलब वहाँ पे लेजिस्लेटर्स में ये पास करवाया, हमें दिया गया। उस साल 120 करोड़ रुपया प्रॉफिट सिर्फ उसी का आया जिस चीज़ की वो ठेके में 58 करोड़ रुपया मांग रहे थे। 58 मतलब अगर आपको वो दोबारा कहें कि अगर आपको हमने और प्रॉफिट देना है, क्योंकि कोरोना काल में हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, सबको हुआ, वो गवर्नमेंट को भी हुआ होगा, अगर वो कहते हैं कि अगर आप हमें और प्रॉफिट करके दें तो क्या आप कर पाएंगे? हाँ, एक बात, दूसरी बात, इस वक्त आप खुद देखिए कोविड रिसर्ज हो रहा है दोबारा, ठीक हो रहा है ना, आज 24,000 के करीब थ्रू आउट इंडिया में हो गया है। आप ये बताएं कल ऐसा ना आ जाए कि लॉकडाउन हो स्टार्ट हो जाएं, जबकि जैसे महाराष्ट्र में हो गया, केरला में हो गया, इवन पंजाब में नाइट कर्फ्यू हो गए तो स्टार्ट हो गया। आप मुझे ये बताइए जब ये यहाँ पे हो जाएगा उस वक्त हमारी क्या पोजीशन होगी? इन्होंने कोविड के टाइम का भी टैक्स हमसे लिया है, इन्होंने कोविड के टाइम का भी टैक्स लिया है हमसे, ये नहीं है कि वो माफ कर दिया हमको। हमने अपने कोविड के टाइम में दुकानें बंद रही, हमने अपने एम्प्लॉइज को भी पे दी हैं। हमारे एम्प्लॉइज को पूछा जा सकता है कि दे गॉट देयर पे आर नॉट। सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि ये रेवेन्यू के बारे में सोच रहे हैं या किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, या तबाह करने के लिए सोच रहे हैं कि इनको निकालना ही निकालना है, मतलब ये माइंड बना चुके हैं कि इनको निकालना है। अरे हम कह रहे हैं हमें एलजी साहब से मिलने की परमिशन दी जाए, हम भी एलजी साहब को मिलना चाहते हैं, दुनिया मिल रही है हमें भी मिलो, करना नहीं करना उनका काम है, हम तो अपनी फरियाद रख सकते हैं ना उनके आगे। हम सिर्फ अपनी फरियाद रख सकते हैं आगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी एक जनरेशन के साथ ऐसा हुआ, मैंने नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ऐसा रखा, पर अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं क्या सौगात रखूँगा, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स करते हैं अगर कोई बिज़नेस खोलते हैं उसका ये रहता है कि जो उसका बिज़नेस होता है वो उसके आगे बच्चे संभालते हैं, पर यहाँ पर अब वो परेशानी आ गई है कि वो अगला बिज़नेस आप कैसे संभालेंगे जो बिज़नेस रहेगा ही नहीं। सवाल ये भी है, जो हमारे पास लाइसेंस होल्डर हम लोग हैं हमें वो रहने दीजिए, अगर आप कोई नई पॉलिसी के तहत अगर ऑक्शन करवाना चाहते हैं तो वो आप करवाइए, हमें उससे कोई भी दो राय नहीं है, हम आपका इस पर कोई भी विरोध नहीं करेंगे, पर हमसे हमारी रोटी मच्छी नहीं है, क्योंकि जब आपको हमारी ज़रूरत पड़ी, जब जब ज़रूरत पड़ी तब तक हम आपके साथ खड़े थे, आज आपको भी तो हमारे साथ खड़े होने की ज़रूरत है, आज सभी ट्रेडर्स यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ये मेरा बेटा है।